देखा गाइस, मैंने छत से केवल एक ईंटे को फेंका और यहाँ पास जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पास रखा था वो फूट गया है। तो गाइस आज यही करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको शूट करना है और किस प्रकार इस वीडियो को एडिट करना है। गाइस यहाँ पास मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पास कुछ भी रियल पीछे नहीं लगाया है, सभी आर्टिफिशियल लगाया गया है। केवल यहाँ पास में ये वीडियो है और वहाँ पास मैं एडिटिंग किया हूँ, देन उसके बाद मैं पूरा एडिटिंग से इसको वीडियो बनाया हूँ। तो गाइस आपको भी इस प्रकार वीडियो बनाना है तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वीडियो को शूट किस प्रकार करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। गाइस वीडियो को किस प्रकार शूट करना है सबसे पहले उसे देखते हैं। गाइस इस प्रकार आपको ट्राइपॉड में लगाकर अपनी वीडियो को शूट कर लेना है। गाइस वीडियो शूट हो जाने के बाद आपको कैपकट को ओपन करना है और इसको हम कैपकट में एडिट करेंगे। गाइस उसके बाद यहाँ पास न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे देन यहाँ पास से आपकी पूरी गैलरी खुल जाएगी। आपको वीडियो अपनी सेलेक्ट कर लेना है जो अभी रिकॉर्ड कर आए हैं। गाइस ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पास। सबसे पहले यहाँ पास हमें कट करना होता है कि जितनी हमारी ख़राब पार्ट है या जो हमें नहीं चाहिए उसे कट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं उसे कट कर देता हूँ। गाइस यहाँ पास हमारी सारी वीडियो जितने ख़राब पार्ट थे वो कट गई हैं। गाइस हमें यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक इमेज है, मैं उसे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ पास से लगा लूँगा। ये गाइस हमारी इमेज यहाँ पास आ गई, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं दोनों उंगली से इस प्रकार। देन गाइस यहाँ पास क्या हो रहा है, अब हम अपनी इमेज को तो इंक्रीज कर लिए हैं बट यहाँ पास हमारी जो ओरिजिनल वीडियो है वो पीछे चली गई है। तो उसे किस प्रकार एडजस्ट करना है, सबसे पहले तो मैं इसे बढ़ाकर पूरा कर देता हूँ। फिर उसके बाद गाइस ये हमारी वीडियो जो है ओरिजिनल वाले, इसे हमें कॉपी करना है। उसके बाद कॉपी किस प्रकार करना है, यहाँ पास जाएंगे नीचे, इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे देन यहाँ पास एक कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं गाइज हमारी ये कॉपी हो गई है। देन उसके बाद यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पास फिर नीचे आएंगे, ओवरले का ऑप्शन है, ओवरले कर देंगे, ये हमारी वीडियो नीचे आ गई। इसको हम दबाकर सबसे शुरू में ले जाएंगे। अब गाइज हमें क्या करना होगा, ये हमारी जो वीडियो है इसका अभी ओवरले कर लिए हैं तो अब हमें कट कर देना है। इसे कटआउट पे जाएंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पास रिमूव बीजी बैकग्राउंड है, यहाँ पास क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पास कटआउट चालू हो गया है, यहाँ पास देख सकते हैं ये परसेंट चालू हो गया है। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा देन इसके बाद यहाँ पास ये रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं रिमूव के लिए। गाइज यहाँ पास हो गया, आपके वीडियो के हिसाब से ये कर देगा। अब गाइज आप देखिए चालू कर हमारी इमेज जो है ये आगे आ गई है और ये जो ओरिजिनल वीडियो है ये आगे आ गई है और ये इमेज पीछे चली गई है। देख सकते हैं गाइज इस प्रकार हो गया है। बट गाइज यहाँ पास क्या है, हमें एक और इमेज को ऐड करना है, उसे किस प्रकार करना है, यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे देन उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पास फूटने का नाटक कर रहे हैं इसे हम थोड़ा सा दोनों उंगली से बढ़ा लेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो। यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पास हमें दूसरी इमेज को ऐड करना है। गाइज यहाँ पास अपने जो PIP लिए हैं या जो ये वाला फ़ोटो है तो इसको हम कट कर देंगे, ये इसे फिर हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप गाइज यहाँ पास जो कुछ लगाना चाहते हैं उसे आप लगा सकते हैं, जैसे मैं उसमें लगाया था गिफ्ट का, तो आप यहाँ पास एप्पल का अगर लगाना चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं या गिफ्ट का लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास इमेज काफ़ी है तो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, मैं यहाँ पास दूसरी इमेज को लगा देता हूँ क्योंकि अभी एक इमेज को मैं बता ही दिया हूँ। तो मैं यहाँ पास दूसरी इमेज को लगा कर दिखाता हूँ आपको कि आप दूसरी इमेज को भी यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पास हमारी इमेज जो एप्पल की है वो आगे आ गई है तो हमें क्या करना है, एप्पल वाले में क्लिक करना है देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेयर में जाएंगे और इसे पीछे कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पास लेयर का ऑप्शन है यहाँ पास और इसे हम पहली वाली इमेज पे कर देंगे। देख सकते हैं ये पीछे हो गया है। गाइज और बढ़ाना चाहते हैं तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार जितना आपको एडजस्ट कर सके आपके बैकग्राउंड और आपकी वीडियो के हिसाब से उतना आप रख सकते हैं। देन गाइज यहाँ पास देख सकते हैं जैसा ही हमारा ईंटा यहाँ पास फूटा ये हमारा दूसरी इमेज आ गई है। तो और यहाँ पास देख सकते हैं गाइज जैसे ही मैं पत्थर को फेंका था वो गायब हो गया है, तो उसे किस प्रकार ऐड करना है उसे देखते हैं।
गाइज यहाँ पास से मैंने इसे फेंका, यहाँ पास से फेंका था, तो यहाँ पास देख सकते हैं मेरा पत्थर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया है? क्योंकि ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज के कारण हमारा पत्थर गायब हो गया है। तो उसे हम यहाँ पास आर्टिफिशियल पत्थर ऐड करेंगे। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा पत्थर को, वहाँ पास फिर यहाँ पास आइएगा, ऐड करिएगा, तो यहाँ पास मिल जाएगा वो आपको। ठीक है, ये गाइस पत्थर आ गया है। आप इसे रिमूव कर भी सकते हैं, रिमूव बीजी वेबसाइट में जाकर, या यही पास आएंगे, इधर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पास कटआउट का ऑप्शन है, यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे, देन यहाँ पास रिमूव बैकग्राउंड है, इसे भी कर सकते हैं, या इसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पास क्या करना है आपको, ये जो क्रोमा की है यहाँ पास आप इस पर भी कर सकते हैं। एक बार मैं पीछे जाता हूँ, ये यहाँ पास क्रोमा की है, देन उसके बाद यहाँ पास वाइड वाले पे हमें ले जाना है, देन उसके बाद यहाँ पास इंटेंसिटी है, उसके बाद इसे थोड़ा बढ़ा देना है इस प्रकार, जी हमारा बढ़ गया है। देन उसके बाद यहाँ पास शैडो है, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारी इमेज जो साइड में है वो अच्छी दिखे। देख सकते हैं गाइस, अब इसे आप उतना छोटा करेंगे जितना हमारा पत्थर था। गाइस हम अपना पहले पत्थर देखते हैं कि हमारा पत्थर कितना था, ये तो इसे भी काफ़ी छोटा करना पड़ेगा जी। अब गाइस यहाँ पास ध्यान रखना, जैसे ही मैं अपने पत्थर को फेंकूँ वहाँ पास से इसे ऐड करना है। इसे हम टाइमलाइन को और इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हम देखने में आसानी हो। देख सकते हैं गाइस यहाँ पास से मैंने अपना फेंकना चालू किया हूँ, तो यहाँ पास जाऊँगा और इसे मैं लेयर में जाऊँगा, पहले तो इसे पीछे कर दूँगा, दूसरे वाले में कर दूँगा। ये देखिए अब इसे उठाकर मैं यहाँ पास इस प्रकार रख दूँगा। ये अब यहाँ पास से जैसे ही मैंने फेंकना चालू किया है, देन गाइस यहाँ पास आपको की फ्रेम को ऐड करना होगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पास से मुझे एक की फ्रेम यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास एक ऐड कर दूँगा। देन उसके बाद गाइस इसको यहाँ पास, जैसे मैं इसको यहाँ पास ये नाटक किया फूटने का, तो यहाँ पास इसको ले जाकर आपको जहाँ पास रखना है वहाँ पास, जैसे यहाँ पास मैं पत्थर को मार रहा हूँ तो यहाँ पास इसे ऐड कर देना है। देन उसके बाद एक और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर की फ्रेम लगाएंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ पास, फिर नीचे हम इधर साइड यहाँ पास रख देंगे। अब गाइस आप चालू करके वीडियो देखिए किस प्रकार आपकी बनी है। देख सकते हैं गाइस ये हमारा गया और ये फूटा, ये आ गया यहाँ पास से, थोड़ा सा और मुझे कट करना होगा ये। अब गाइस उसके बाद ये इस प्रकार हो जाएगा। अब गाइस अपनी वीडियो को चालू कर देखेंगे तो आपकी वीडियो एकदम स्मूथ दिखेगी और अच्छी दिखेगी। ये देखिए गाइस कभी कभी ये लैग भी करने लगता है, तो आपको एक्सपोर्ट इसे कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपकी वीडियो ये बन जाएगी। गाइस इसे यहाँ पास कलर ग्रेडिंग करना चाहे तो कर भी सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पास एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पास से मैं क्या करूँगा सबको फुल कर दूँगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर अब अपनी वीडियो को जहाँ मुझे शेयर करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब में, अब वहाँ पास मैं इसे कर दूँगा पोस्ट। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आज की वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार वीडियो को किस प्रकार बनाया जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।